व्यूअर्स आई हैव जगिया विद मी और जगिया सा एज द कावर्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड. जगिया यू आर अ कावर्ड एंड यू आर अ लायर. एट द टाइम ऑफ अ मैरिज यू सेड यू विल हैव सेक्स विद मी, यू विल स्लीप विद मी. वेन विल यू स्लीप विद मी जगिया? वेन विल वी हैव किड्स? आई एम अ पार्ट ऑफ द भड़वे नैरेटिव. वी हैव टुकड़े टुकड़े टुगेदर जगिया. नाउ द कावर्ड इज वॉचिंग बालिका वधू. ही डजंट हैव एन आंसर नाउ. रुक साले अभी मूत की आती है फिर बताऊंगी तुझे. रुक साले अभी. एयर होस्टेस दीदी एक जरा ईमेल लिख दो, इसे फ्लाइट से बैन कराते हैं. वो मेरी इंग्लिश सा थोड़ी वीक है. हाय गाइस, मैं हुसैन हूं, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज. और अगर थंबनेल और टाइटल पढ़ के आपको लग रहा है कि इस वीडियो में सैफ अली खान आने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है. सैफ अली खान आएगा दो चार दिन बाद आएगा. हाँ, और जो तुम हमें इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते और तुम सोच रहे हो ये क्या बक रहे हैं तो जाके फॉलो करो और वहां से पता करो. एग्जैक्टली. और अब ऐसे भीख हमने शुरू में मांगी ली तो सब्सक्राइब का बटन भी ना अभी दबा दो. बात तक मत छोड़. एनीवे गाइस, हमने देखी जवानी जाने मन. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट वी डोंट हैव अ फर्स्ट वर्ड. एग्जैक्टली. मतलब वो फिल्म के अंदर कुछ सीन्स अच्छे और बस कुछ सीन्स ही अच्छे हैं. पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा हो कि आई रियली वांट टू एंजॉय दैट फिल्म. हां, एंजॉय फर्स्ट. सॉरी ये एक्चुअली क्या मुर्गा बनो. सीधा गोली मारो. अब तो यही हो गया भैया. हाँ. कोई बोलो, गोली मारो, ना बोलो. और सोचो रियल इन्फ्लुएंसर कौन है. कौन? कुशा का पिलानी है. ठाकुर है. उसने बोला गोली मारोगे ले बे गोली ले. हमारे कहने से कोई स्वाइप अप नहीं करता. उसके कहने से गोली मार दी. इस हफ्ते एक और कपल्स के लिए सौगात बनकर आई है जवानी जाने मन. बिकॉज Where else will you get space and privacy for just 800 bucks? Exactly. हम दो लोग थे और पांच कपल्स और थे और उनका अपना वही चल जाएगी. मेरे बाबू के पास कागज हैं. 200 रुपए मांग रहा मेरी पार्किंग के. कह रहा पर्ची को कोई 200 रुपए दो. सोचो कौन से आईडी प्रूफ से उसने गाड़ी दे दी. पैन कार्ड से. उसने मेरा पैन कार्ड देखा और वो समझ गया कि गाड़ी मेरी है. हाँ, पैन कार्ड से ओयो रूम नहीं मिलता. फिल्म के लीड रोल में ऑनेस्ट रिव्यू स्पेशल के अगले मेहमान और सैफ अली खान. यहाँ भाई बीच में बैठे हैं वो दो चार दिन. हाँ, पहले हम लोग तो गाइस देखो हम चिल नहीं करते. सैफ उस दिन मिल गया. मैंने कहा कर रहे हैं तो 15-20 मिनट हैं तो बैठ जा. बैठो, मैं तो तैमूर से बात कर लूँ थोड़ी. फिल्म के लीड रोल में सैफ अली खान जो कि प्ले करते हैं जैज का कैरेक्टर हु इज बेसिकली नॉट जैज फ्रॉम नमस्ते लंदन. एक तो लंदन में हर आदमी का नाम जैज क्यों होता है? अगर इंडिया से गया है तो जैज. नाम क्या दें यार इस कैरेक्टर को. ये लंदन बेस्ड है इंडियन. जैस कैसा रहेगा? काफी फ्रेश. सैफ बेसिकली एक 40 समथिंग प्रॉपर्टी डीलर है लंदन में जो कि उधर फ्लैट्स की ब्रोकरी करता है. वही काम करते हैं जो यहाँ पे अपने रजौरी में चलता है. आओ पाजी, फ्लैट दिखा दे पाजी. आओ. 2 BHK है पाजी अपने पास, पर मॉमडन्स को नहीं देते. हाँ, बैचलर्स को नहीं देते. LGBT को नहीं देते. मैं तो एलियन हूँ, मुझे तो मिल जाएगा ना. एलियन का तो क्या है जी, डील डन करो. डन डील. थैंक यू. हो जाएगी थोड़ा थोड़ा. मैं उधर थोड़ा धूप में बैठ के पीता हूँ. और सैफ का कैरेक्टर जो है बहुत ही अय्याश किस्म का है. जितने पैसे कमाते हैं शाम को सारे उड़ा देते हैं. कोई डोनेशन नहीं देते वो आम आदमी पार्टी को. इसके अलावा फिल्म के अंदर है अलाया एफ, जैन ए, शुभम जी, राजेश बी. राजेश का पूरा नाम क्या है? राजेश सिंह यादव. और जाना कैसे जाता है? बड़वा. अलाया प्ले करती है 21 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि एम्स्टरडम से लंदन आई है अपने बाप को खोजने के लिए. सोच इंडिया में 21 साल के लौंडे क्या ढूंढ रहे हैं. जॉब्स, टिकटॉक बनाने वाला ट्राइपॉड और जस्ट सिक्योरिटी. इसके अलावा फिल्म के अंदर है फरीदा जलाल, वही अपनी जिया की नानी. श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदली. श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, भूत भविष्य वर्तमान बदली. मैम एक्सक्यूज मी मैम, जिया की नानी. हाँ बोलो. पैरी पोना. नमस्ते. वो एक्चुअली रोल लाए थे आपके लिए. उबर इट से आयो? वो तो बंद हो गई कब की. अच्छा, तो जोमेटो से. पूजा एंटरटेनमेंट से एक फिल्म बना रहे हैं. अच्छा वो वाला रोल. हाँ बोलो बोलो. एकदम फ्रेश रोल है. क्या रोल है? कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं किया होगा. क्या है ऐसा? क्या देखिए आप कितनी फिल्मों में आपको नानी बनाया गया है. हाँ? आपको दादी बनाया गया है. किसी की माँ बना दिया जाता है. इस फिल्म में एकदम ही अलग रोल है. क्या है फिल्म? एक 21 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई है. अच्छा वो बनना है. जो वो बेबी डिलीवर होगा ना आप उसकी परदादी बनी है. और इसके अलावा फिल्म के अंदर है कुमुद मिश्रा जो कि बने हैं डिम्पी यानी कि सैफ अली खान के बड़े भाई और प्रॉपर्टी डीलिंग में उनके पार्टनर. और उनके ऊपर हमारे पास कोई जोक नहीं है. माफ कीजिएगा सर, कभी कभी नहीं होता है. और इसके अलावा फिल्म के अंदर है तबू जो कि बनी है सैफ अली खान की वही माँ जिनको पता ही नहीं है उनके बच्चे का माँ बाप कौन है.
पता है उनको तीन ऑप्शन है कि इन तीन में से एक है। आपके पिता के लिए तीन ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और किसी को बाप नहीं पसंद आ रहे। अमिताभ, फ्लिप द क्वेश्चन। बेटा यही तीन है, इन्हीं में से एक लेना पड़ेगा। ऑडियंस वोट। और ऑडियंस ने वोट दे दिया बीजेपी को। इसके अलावा फिल्म के अंदर है अनन्या पांडे के पिताजी श्री चंकी पांडे, आयरन मैन, इंडियन आयरन मैन अकॉर्डिंग टू अनन्या एंड अकॉर्डिंग टू अनन्या ओली, जो बेचारे कॉफी विद करण में तो नहीं जा पाए बट कम से कम जवानी जाने मन में आ गए। कम ऑन यार गाइस। फिल्म का प्लॉट बेसिकली ये है कि एक कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट हो रही थी और वहाँ एक आदमी आके गोली चला दी। सच्ची घटनाओं पे आधारित एक फिल्म है मेरे पास। या फिर ऐसा होगा कि ये क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनेगा। वेरा राइटर वांटेड टू मेक दिस फिल्म एंड ही गॉट किल्ड। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना मुंह बंद रखे। सैफ अली खान एक 40 समथिंग प्लेबॉय है जो कि रोज जाते हैं पार्टी करने और रोज किसी ना किसी नई लड़की को सेट कर लेते हैं, झूठ बोल के उसके साथ सेक्स करते हैं। Until one day when he brings another girl his home and finds out that this girl is could be good. His daughter. हाँ, और लड़की कहती है कि 33.33% चांस है कि आप मेरे पापा हो सकते हो। भैया ये सारे झंडे दे दो मुझे। क्यों भैया लगाएगा इसकी? नहीं भैया, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे देश का तिरंगा जमीन पे पड़ा हो। 100.000% चांस है कि ये आविष दरबार है। हाँ देखो, मैं तो स्लोमो भी कर रहा हूँ। सैफ की हैपनिंग लाइफ में यहीं पे एक भूचाल आ जाता है कि एक लड़की ने आके एक तो ये प्रूफ कर दिया कि वो उनकी बेटी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। सैफ अली खान डबल झटका देके बिल्कुल भौचक्का हो जाते हैं। डबल झटका बस शुभम और जैन। बस बिकॉज़ वी आर ऑनेस्ट। दैट्स द प्रॉब्लम ना। गुड थिंग्स पीपल वॉच बट नॉट मेनी पीपल वॉच। ऑनेस्ट रिव्यू, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग? 7 lakh, 8 lakh अगेन। आवेश दरबार, हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग? 4-5 million। मैं आवेश दरबार बन जाता हूँ, आप आशिका भाटिया बन जाओ। आशिका भाटिया भी एक नया जहर है दोस्तों। भाई वो तो बहुत ही गजब है यार। वो किरण बेदी वगैरह को फेल कर दिया है उसने। वो ऐसे रैंडम स्लोमो वीडियोस बनाती है जहाँ लड़की के साथ गलत हो रहा है तो ये जाके कॉलर पकड़ लेगी, और उस लड़की का नहीं जो गलत कर रही है, उसकी दोस्त का। वो क्लिनिक प्लस की बॉटल पे फोटो आती थी पहले उसकी, श्वेता तिवारी उसके बालों में शैम्पू लगा रही है। क्लिनिक प्लस जो है एज ए शैम्पू नहीं बिकता है, बाइक चमकाने वाला लिक्विड 100 रुपए का है, 1 रुपए का क्लिनिक प्लस ले आ जा। पाउच ले आ क्लिनिक प्लस के। सैफ अली खान एक बहुत बड़े मैन चाइल्ड, इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी कोई चीज नहीं है। और इज ही प्लेइंग रवि शास्त्री? साथ साथ एक और पैरेलल प्लॉट भी चल रहा है कि सैफ अली खान को एक प्रॉपर्टी सेल करनी है जिससे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और उसी कॉम्प्लेक्स में 3 घर एक मिसेस मलिका के हैं जो कि अपना घर बेचने को तैयार नहीं है। ये बस सेम वही प्रॉब्लम है जैसे पीओके वाले पीओके छोड़ने को तैयार नहीं। हम तो कह रहे हैं जो जायज रेट बनता हो ले लो, हमेशा चेक काट देगा एक। कोई दे तो। और खत्म बैठ के ये वही वाला प्रॉपर्टी डीलर्स का फेवरेट डायलॉग है, सर आप चेक लेके बैठो तो। किस तरह से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली के लव को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट है, लेकिन फिल्म में वो देखने में मजा नहीं आता है। फर्स्ट हाफ तो फिल्म का कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, सेकंड हाफ में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें घटती हैं जो काफी अच्छी लगती हैं, जैसे कि सैफ की वाइफ यानी कि आलिया की मॉम तब्बू घर वापस आ जाती हैं और साथ ही ले आती हैं आलिया के उस बॉयफ्रेंड को भी जिसने सैफ को नाना बनाया है, और ये दोनों आए एम्स्टर्डम में मेडिटेशन करके। दोनों बहुत ही गंजेड़ी लगते हैं टू से द लीस्ट। फिल्म के अंदर तो बाकी सब कुछ जैसा है सो है। एक चीज की मेरी पर्सनल शिकायत रही कि लंदन में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तो दिखाए, उतने अंग्रेज नहीं दिखाए। अंग्रेज तो छोड़ो, एक भी बांग्लादेशी नहीं दिखाया। आपको कैसे पता कि कोई बांग्लादेशी नहीं था? भाई कोई पोहा नहीं खा रहा था वहाँ। ओह यस गाइस, हाउ टू स्पॉट अ बांग्लादेशी 101। अपना विराट कोहली क्या खा के सेंचुरी मारता है? 2m। अब मुश्फिकर रहीम पोहा खा के। So here are the 3 things we liked about the film. 1, do not make joke of it, but we definitely liked the performances of the film. 2nd thing we liked about the film, that it's being shot in London, very beautiful locations. और आप सोचो यहाँ से बुराड़ी से उठ के आओ और फिर सुंदर चीजें दिख जाए स्क्रीन पे, आपको तो लगता पैसे वसूल हुए। कुछ एक नई चीज हो रहा है आपका, एक नई चीज से बिल्कुल बिल्कुल मेरे अंदर का गुलजार देखा, राब्ता गुलजार साहब, गुलजार पापा। टॉकिंग ऑफ द 3 things we did not like about the film, नहीं समझ में आता मुझे एक तो कि भाई असली लंदन कौन सा है। एक फिल्म में दिखाते हैं कि वहां जाके ढोल नहीं बजा पाता आदमी, यहाँ दिखाते हैं कि सेक्स मिल जाता है इतना सारा, कौन सा है असली लंदन? डिपेंड करता है आपकी जेब में पैसा कितना पड़ा है। फिल्म की राइटिंग मुझे थोड़ी कमजोर लगी, ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बन सकती है बट इट फॉल्स शॉर्ट लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स राइटिंग। 3rd thing we did not like about the film was 2-3 couple काफी शोर मचा रहे थे। तो we are not from anti-Romeo squad but
हमें तो एंजॉय करने दो ना फिल्म। हाँ, तुम अपना एंजॉय करो, अपना एंजॉय करो, अपना करो। और इसके अलावा हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं एक नए रेटिंग सिस्टम से, जो आज के बाद हम हर फिल्म के बाद करेंगे, फिल्म को रेटिंग देंगे, बट नॉट स्टार्स एंड नॉट मिर्चीज एंड नथिंग। सो गाइस, जिस हफ्ते हमको लगेगा कि फिल्म बहुत ही अच्छी है और जहां हमें 5 स्टार देना हो, तो हम आपको बोलेंगे इट्स अ पेड रिव्यू, जो आप हमेशा बोलते हो, मतलब बिल्कुल ही अच्छी लगी तो पेड रिव्यू। 4 स्टार है तो हम बोलेंगे कि फुल एंजॉय, और अगर फिल्म 3 स्टार है तो हम बोलेंगे योर मनी इज योर मनी, नन ऑफ आवर मनी। और इससे नीचे अगर कुछ भी है तो फिर समझ लो कि वो फिल्म है अजीनोमोटो, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है। बट इस फिल्म को हम देना चाहेंगे योर मनी इज योर मनी, नन ऑफ आवर मनी। सर आप बड़े टॉक्स वाले हो ना, सर एक सेल्फी दे बड़े। व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये किससे सीखा आपने, क्या ये स्टारडम आ गया हम में, दिमाग खराब हो गया हमारा, भाई से सीखा हमने, मैं जो भाई करते हैं सही करते हैं, हम वही सीख रहे हैं। और इसकी बहन की भाई ने अच्छा है, खुश रहे, किसी रिपोर्टर को नहीं मारा है, वरना जाले इतना मारते हैं बिछाए तक कनी छुड़ाना पड़ता तू। सॉरी सर, अभी फिल्म देखी आपने, कैसी लगी आपको ये जवानी जाने में? फिल्म नहीं देखी, देखनी है अभी, मैंने तेरे को बताया नहीं है, कैमरा तो नहीं हो भाई मेरे, सेकंड फेवरेट खान है समझा, फर्स्ट कौन सर, सैफ अली खान। चल तैमूर, मैं जितना बड़ा तैमूर नहीं है ना, उससे बड़ा तैमूर का फैन हूँ मैं। मैंने तो सपने भी देख लिया उसके, लॉन्च करूंगा उसको अपनी पिक्चर में, पैसे जोड़ रहे हूँ। कौन सी? ये अपनी लव आजकल 4, 2 के बाद तो 3 आएगी ना, लेकिन मैं तो बढ़ में 3 में इब्राहिम को भी तो लॉन्च करना है, क्रोनोलॉजी समझो, सारा आई 2 में, 3 में इब्राहिम आएगा, तभी तो तैमूर आएगा 4 में तैमूर। हाँ हमें भी ले लो सर कभी, भड़वे टॉक्स में बुला लो मुझे और सैन को। हाँ देखेंगे, चल प्लीज सर, भाई चेप मत दो, कह रहे चल बड़े चल, ये देखे जाओ हमारे शो के काम आएगा, चलो निकलो। चलना सेल वाला है क्या? So this was the 3 of us on All Famous Honest Reviews. और अगर आप अभी तक देखने के लिए रुक गए तो आपके लिए एक बहुत ही खास चीज है, जो कि है ये अवार्ड। जी हाँ, ये है वीडियो नेक्स्ट अवार्ड 2020 कॉमेडी मेटल गोल्ड अवार्डेड टू मेंस एक्सपी फॉर ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। एंड दिस अवार्ड इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू ऑल द व्यूअर्स दैट वी हैव, बिकॉज़ आपके ही हर हफ्ते देखने की वजह से वी गेट द इंस्पिरेशन टू डू मोर वर्क एंड इवेंचुअली इट इज। ठीक हो गई स्पीच, अभी इनमें से कोई आके बोल दे मुझे अवार्ड चेक घर ले जाने दोगे? ले जाए वो हमारी मैडम नहीं देगी भाई, उसको चाहिए, उसकी टेबल पे 4 अवार्ड लगे हुए हैं, इनको एक एक चम्मच अजीनोमोटो तो भगाओ यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, कॉमेंट करो खूब सारे, और बाकी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अभी तो बस शुरुआत है, 2-3 अवार्ड के लिए और नॉमिनेट हुए, पेट ट्रॉफी, पेट ट्रॉफी, यस पेट ट्रॉफी।